you're feeling how I'm feeling, then you must be feeling great. If you're feeling how I'm feeling, then you must be feeling love. Yeah, I just wanna give you that feeling. I just wanna give you that feeling. नमस्ते टाइम्स आई फैमिली में क्रांति संभव स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें हम लेकर आए हैं, ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं, कैब्रियोले है ये मर्सिडीज की E53 AMG। और बहुत दिनों के बाद ऐसी गाड़ी हमारे हाथ आई है, तो एक्साइटमेंट आप समझ सकते हो। इस शॉट से पहले भी 32 बार हम लोग इस रूफ को खोल बंद कर चुके हैं। तो क्या है खास इस कहानी में, क्या है खास इस गाड़ी में, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट की, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है वहाँ पे भी आपको लगातार हम कंटेंट कुछ ना कुछ नई कहानी दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पर भी आप टाइम्स आई को फॉलो कीजिए। और इन केस आपके कोई दोस्त फैमिली मेम्बर इस तरह की गाड़ियों में इंटरेस्टेड हैं और उनका पॉकेट भारी है, बड़ा है, तो फिर उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, सो दैट उनको आइडिया रहे कि गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या इसकी खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं। Keep my people in orbit. Just bought my mama a house fully soundproofed. My decibel slap, never mind the noise ordinance. Standard ovation. What a stellar performance from the cellar to the basement to the penthouse views. My dues have been paid. I've showed improved. Chill love while the music keeps banging. What you think it is? I would never leave you hanging. तो एक मर्सिडीज है, AMG है, ऊपर से कैब्रियोले है, और इन सब के अलावा इन सब के ऊपर 1.3 करोड़ की एक शोरूम प्राइस भी है। तो जाहिर सी बात है लिस्ट ऑफ फीचर्स में एक्सक्लूसिव और इंप्रेसिव फीचर्स काफी होंगे, तो ये वीडियो है दरअसल उसी के बारे में। लेकिन वहां पर जाने से पहले दो ऐसे एलिमेंट जो इसे काफी खास बनाते हैं सबसे पहले आपको बताते हैं। एक तो ऑब्वियसली इसका टॉप, एक बटन दबाइए और छत खुल जाती है, बंद हो जाती है, और ये 20 सेकेंड में 50 तक की स्पीड पर आप कर सकते हैं। और ये हमने एक बार नहीं बल्कि कई बार टेस्ट करके देखा। दूसरा इंप्रेसिव एस्पेक्ट इस कार का ड्राइव और परफॉर्मेंस है, जहां पर कंफर्ट मोड में ये काफी कंफर्टेबल आपको कार लगती है, और अंदाजा नहीं लगता है कि इसे कंफर्ट से स्पोर्ट मोड में डालने पर इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल जाती है। AMG E कैब्रियोले में ताकत लगभग 450 हॉर्स पावर की आपको मिलती है, और इसका प्रदर्शन आप बहुत ही लीनियर तरीके से महसूस कर सकते हैं, यानी बहुत ही स्मूथ इसकी ड्राइव है और एक्सेलरेशन आपको ताबड़तोड़ मिलता है। फोर व्हील ड्राइव ऑप्शन और एयर सस्पेंशन इसके ड्राइव को ज्यादा सटीक और कंफर्टेबल बनाता है। जिस कीमत की ये कार है, जिस सेगमेंट की कार है, उस हिसाब से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको निराश नहीं करेगी। कहने का मतलब यह है कि एक आम ड्राइविंग कंडीशन में इसका प्रदर्शन आपको कंफर्टेबल रहेगा, लेकिन इसे अगर आप तेज सर्रार ट्रैक के ऊपर लेके जाना चाहें तो वहां पे भी आपको निराश नहीं करेगी। ये बात अलग है कि टिपिकल AMG स्पोर्ट्स कार की तरह शायद बिहेव ना करे, लेकिन जिस तरह के स्किल लेवल हम आमतौर पर देखते हैं वहां पर इसके पोटेंशियल का पूरी तरह से आप मजा उठा सकते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस के बीच में बैलेंस देखने को मिलता है मर्सिडीज AMG E कैब्रियोले में। AMG वर्जन जो होता है मर्सिडीज का, वहां पे जो रेगुलर क्लास की गाड़ियां होती हैं उसी को ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कंपनी बनाती है, और उसमें आपको AMG की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जो इस फेस के साथ स्पेशली आप समझ सकते हैं। यहाँ पर AMG की ब्रांडिंग भी है, एक बड़ा आपको प्रोमिनेंट मर्सिडीज का लोगो भी मिल रहा है, और इसके अलावा एक कॉम्पैक्ट सा आपको हेडलैम्प का डिज़ाइन भी देखने को मिल रहा है। कार थोड़ी सी लो आपको नज़र आती है, और केवल कॉस्मेटिक नहीं, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी AMG गाड़ियाँ थोड़ी अलग होती हैं। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, जो रेगुलर E क्लास है उससे लगभग 225 mm ये छोटी है। इसके अलावा सेकेंड रो में अगर हम देखें तो यहाँ पर जगह आपको रेगुलर E क्लास से कम देखने को मिलती है। छोटे बच्चों के लिए जगह ये ठीक होगी, और इसके अलावा जैसा कि हमने बताया इसका टॉप जो है वो सॉफ्ट है। लेकिन असल जो इंथुजियास्ट को एक्साइट करने वाला एस्पेक्ट होता है AMG का, जब भी जिक्र होता है वहाँ पर आपको याद होगा 43, 53, 63 इस टाइप से आप नॉमेनक्लेचर देखते हैं, तो उस वक्त इंजन का जो साइज़ है वो वैसा लगता था, चाहे वो 4.2, 4.3, 4.25 लीटर का इंजन हो, 5.5 लीटर का इंजन हो, 6.25 लीटर का इंजन हो, तो बड़े बड़े इंजन इसमें लगाए जाते थे। क्यों? क्योंकि AMG गाड़ियाँ फास्ट और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती थी। इस वाले की बात करें तो यहाँ पर 3 लीटर का इंजन लगा हुआ है जिसकी ताकत आपको लगभग 450 bhp की मिलेगी और टॉर्क जो है वो लगभग 770 न्यूटन मीटर के आसपास मिलेगा। उसमें जो इंजन है 3 लीटर का उसका तो रोल है ही, साथ में इसको मदद मिलती है 48 वोल्ट जो लिथियम आयन बैटरी है उससे भी जो बूस्ट मिलता है, उसके बाद ये फिगर आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके उस एस्पेक्ट की जो सभी को एक्साइट कर रही है, हमें भी। तो यहाँ पर मैं बैठ रहा हूँ और बैठने के बाद इसके रूफ को बंद करता हूँ और देखते हैं कि कितने जल्दी ये रूफ बंद होता है, और उसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से यूनिक इसमें फीचर्स हैं जो इस किसी भी कैब्रियोले में होते हों शायद, लेकिन इसमें और भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव है। तो पहले मैंने इस बटन को अब दबाया है, ओके। तो ये शीशे जो हैं जो मैंने ऊपर किए हुए थे हल्के से नीचे हुए हैं। अब पिछले हिस्से में आप कैमरा जब मूव करेगा तो आप देखिएगा पिछला हिस्सा इसका बूट खुल गया है, वहाँ से आपका रूफ निकलता हुआ नज़र आ रहा है और ये सॉफ्ट टॉप जो है ऊपर आके चिपक गई है। जो पीछे आप बूट खुला था वो बंद हो गया है, पीछे जो वाइज़र है वो भी बंद हो गया है, और इसके बाद अब कार पूरी तरह से पैक हो गई है, लॉक हो गई है। और आप ऑडियो में जो डिफरेंस है वो भी समझ सकते हैं, बिल्कुल शांत अंदर से ये कार आपको नज़र आएगी। तो ये एक ख़ास फीचर जो ऑब्वियसली कैब्रियोले के तौर पर जब आप इसे देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा। वैसे आपको बताएं कि इसकी जो रूफ़ है वो आप 50 kmph की स्पीड तक इसे खोल सकते हैं, यानी अभी तो मैं स्टैटिक हूँ लेकिन जब ड्राइव भी कर रहा हूँ अगर मुझे लगे कि हाँ मौसम अच्छा है तो मैं 50 kmph तक की अगर स्पीड है तो वहाँ तक ये मैं खोल सकता हूँ, इसे बंद कर सकता हूँ अगर अचानक बारिश हो गई तो। और इसके अलावा जब आप इस तरह से ड्राइव कर रहे हैं तो आपको 2-3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपकी ड्राइविंग को ज़्यादा बेहतर करते हैं। ये वाला जो बटन है इसे मैंने जब दबाया है तो फिर पीछे से एक डिफ्यूज़र आपको देखने को मिलेगा और आगे से भी ये स्क्रीन या जो हिस्सा है वो ऊपर हो गया है, सो दैट विंड आपके ऊपर से निकल जाए, यानी आप परेशान ना हो बफेटिंग से। तो वो एक फीचर आपको यहाँ पर देखने को अलग से मिलेगा। आप जब कैब्रियोले में जा रहे हैं तो आप खुली हुई कार में जाना पसंद करेंगे, फिर क्या होगा तो एक ही बटन से आप चारों जो खिड़कियां हैं उसे आप खोल सकते हैं। जी हाँ, एक ही बटन से चारों खिड़कियां खुल जाएंगी, क्योंकि खुलेपन की फील होनी चाहिए, विंड इन द एयर वाली फील होनी चाहिए। तो एक बटन दबाइए और ये चारों जो विंडोज़ हैं वो आपको नीचे होते नज़र आएंगे। है ना कूल चीज़। अब बात करते हैं कुछ फीचर्स की। अब 1.25 करोड़ के ऊपर की गाड़ी है, यहाँ 1.3 करोड़ इसकी एक शोरूम प्राइस है। और इसके बाद क्या क्या है यहाँ पर अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो शुरू करते हैं उस वाले एस्पेक्ट से जिससे ये AMG बनती है। और वो जो 2 आपको डायल यहाँ नीचे देखने को मिलेंगे, एक तो स्टीयरिंग व्हील आपको टिपिकल AMG स्टाइल में आपको देखने को मिल ही रहा है, यहाँ पर AMG की बैजिंग है, लेकिन ये 2 चीज़ खास है। ये फिलहाल कंफर्ट मोड में आपको ये देखने को मिलेगा, ड्राइव मोड जो है। इसके अलावा आप देख सकते हैं S यानी स्पोर्ट मोड। इसके अलावा आप जब स्पोर्ट प्लस करेंगे तो ये ऑब्वियसली जो ट्रैक रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे इससे जब चेंज करेंगे तो ऐसा नहीं कि केवल इसके डायनामिक्स में आपको फ़र्क महसूस होगा, इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं सस्पेंशन जो है वो S+ में आ गया है, और अगर आप अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो यहाँ पर सस्पेंशन कम्फर्ट मोड में है, स्पोर्ट मोड में है और S+ में, तो यहाँ पर वो आप चेंज कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप जो ट्रैफिक में आपको देखने को मिलता है उसे आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। तो ये 2 डायल आपको ख़ास अलग से देखने को मिलेंगे। एक और ख़ास चीज़ जो है वो मैं इस डायल को चेंज करके आपको सुनाता हूँ, बल्कि जब कंफर्ट मोड में है तो अच्छी सी आवाज़ आ रही है, स्पोर्ट मोड में डाला तो ज़रा सुनिएगा, हल्की सी पॉपिंग आपको सुनाई देगी। और ऑब्वियसली अभी स्टैटिक है तो वहाँ पे आप एग्जैक्टली वो फुल जो फीलिंग होती है वो महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये उससे आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए बटन्स हैं, क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पैडल शिफ्टर्स भी आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, और जैसा कि हम सीरीज़ की बहुत सारी गाड़ी में देखते हैं जो गियर शिफ्ट है वो आपको यहाँ राइट साइड इस स्टिक में देखने को मिल रहा है। गाइस अब स्क्रीन में देखें, मोरलेस जो मर्सिडीज़ की फील है वही आपको इसमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ जो मैं अलग से दिखाना चाह रहा था, वाइब्रेंट है और इंट्यूटिव है, यूज़ करने में काफ़ी आसान आपको लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये देखिए ट्रैक पैक जो है इसमें बेसिकली बताएगा अलग अलग जो ट्रैक हैं उसके डेटा इसको अगर मिल रहे हैं तो ये आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जैसे ट्रैक में हाँ यू कैन एक्चुअली लुक एट द ट्रैक्स एंड इम्पोर्ट ट्रैक्स, इन सभी ट्रैक के बारे में इंफॉर्मेशन ये इसके पास है। सो आप जब उसके ऊपर ड्राइव करेंगे तो इसको अंदाज़ा रहेगा। टेलीमेट्री ऑब्वियसली स्पीड जी फोर्स ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये वाला जो फंक्शन है वो आप देख सकते हैं कि ये ड्रैग रेस वाला फंक्शन है। यहाँ पे आप ऑब्वियसली लॉन्च करके तब जो स्पीड है वो आप ये बेसिकली कैलकुलेट करके बताएगी। तो ये मोर लेस आप जैसे मैंने बताया परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है, वहाँ पर वो फील होनी चाहिए, वो सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं कि कॉस्मेटिक वर्क है, ये प्रॉपर परफॉर्मेंस मशीन है। तो गाइज आखिर में वही बिंदु कहाँ विश्राम करती है। आई गेस जो कैब्रियोले एएमजी से आपकी उम्मीद होती है वो सब ये पूरा करती है, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी देती है। इसके अलावा सिंस दिस इज यू नो E53 AMG, तो यहाँ पर पिछली जो रो है उसमें जगह कम है लेकिन छोटे बच्चों के लिए जगह बन जाती है। सो मोरलेस अगर आप छोटी फैमिली के साथ या कभी मुश्किल से आपको दोस्तों को भी बिठाना पड़े, बहुत ज़्यादा मामला स्ट्रगल वाला नहीं रहेगा अगर एवरेज इंडियन हाइट से नीचे है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की प्राइसिंग हम इंडियन कार मार्केट में फिलहाल देख रहे हैं उस हिसाब से 1.3 हो सकता है कि आप कहेंगे हाँ मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, बट इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, स्पेशली जब आपके पास ऑप्शन भी काफ़ी कम है। एक सॉलिड प्रोडक्ट है, फीचर्स से लोडेड, और जिस तरह की उम्मीद आप इस तरह की गाड़ी से करेंगे मोरलेस इट डज दैट। सो पैसे हैं तो ले आइए, अगर हाँ एक और कंडीशन, अगर मौसम है आपके घर के आसपास तब ले आइए, क्योंकि साल के 10 महीने अगर रूफ बंद करके ये कार चलानी पड़े तो शायद फील उतनी नहीं आएगी। एनीवे, कैसी लगी स्टोरी डू लेट अस नो, और कमेंट के जरिए हमें बताइए कि क्या कुछ पॉइंट्स और आप जानना चाहते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बाकी सभी इसके एस्पेक्ट्स हम छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे स्टोरीज़ के जरिए और भी आपको डिटेल में बताएंगे। सो इन केस आपने हमें फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, और कमेंट्स और सवाल, कन्फ्यूजन ये सब आप हम तक पहुँचा सकते हैं। और हाँ, इन सब स्टोरीज़ को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, टाइम्स टाइप कीजिए और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगली स्टोरी तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफली, पीछे ही बैठे हैं चाहे कैसी भी सीट हो, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएँ।